यहां पर दिया जाता है, यू हैव गिवन दी, आपके पास इक्वेशन y इज इक्वल टू साइन स्क्वेयर ओमेगा इंटू टी. इज दिस अ पीरियोडिक फंक्शन? इज दिस अ पीरियोडिक फंक्शन? यस सर. क्या ये हमारे पास पीरियोडिक फंक्शन? द आंसर इज यस, दिस इज अ पीरियोडिक फंक्शन. तो टीचर दूसरा क्वेश्चन आपको क्या पूछेगा, अगर ये पीरियोडिक फंक्शन है, व्हाट इज द टाइम पीरियड? व्हाट इज द टाइम पीरियड? अब टाइम पीरियड निकालने का तरीका मैंने आपको क्या बताया, इसको आप लिख लीजिए 1 माइनस कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी अपॉन 2. टी के साथ मेरे पास 2 पाई है, तो इसका टाइम पीरियड आपके पास आ जाएगा 2 पाई अपॉन 2 ओमेगा इज इक्वल टू पाई बाई ओमेगा. देखो कितना आसान है, टी के साथ वाले नंबर को उठाओ, उसको 2 पाई के नीचे डाल दो, तो बच्चे आपके पास आंसर आ जाएगा. अब तीसरी चीज हमारे पास आ जाती है, इज दिस द इक्वेशन ऑफ SHM? क्या यह हमारे पास इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन है? जरा देखिए रघुनंदन, हमको इसको सॉल्व कैसे करना होता है, हमको सॉल्व कैसे करना होता है, y इज इक्वल टू साइन स्क्वेयर ओमेगा टी, इसको डिफ्रेंशिएट करना है dy by dt. अब इसकी डिफ्रेंसिएशन कैसे हो जाती है, तो चेन डिफ्रेंसिएशन, साइन ओमेगा टू का साइन ओमेगा टी का होल स्क्वेयर. तो हमारे पास यहाँ पर 2 साइन ऑफ ओमेगा टी 2 माइनस 1, और साइन ओमेगा टी की डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाती है, कॉस ऑफ ओमेगा टी, फिर कॉस ओमेगा टी की डिफ्रेंसिएशन क्या आ जाएगी, ओमेगा, चेन डिफ्रेंसिएशन. जिसको नहीं आती है उसको फिर मुझसे कांटेक्ट करना पड़ेगा, और जिसको आती है वो समझ पा रहा होगा, जिसको आती है वो समझ पा रहा होगा, जिसको नहीं आती है मैथमेटिकल टूल्स में किया था तो उसको अब थोड़ा सा टाइम लगेगा. कि यहाँ पर 3 फंक्शंस हैं, एक बच्चे पावर फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक और ओमेगा टी, इन तीनों की डिफ्रेंसिएशन पहले पावर वाली करनी है, तो 2 माइनस 1, फिर साइन की डिफ्रेंसिएशन कर देनी है कॉस, फिर ओमेगा टी की कर देनी है तो ओमेगा. यह हमारे पास पहला रिजल्ट है. नेक्स्ट वन, इस dy by dt को पता है मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको बच्चे हम लिख सकते हैं 2 ओमेगा साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी कॉस ऑफ ओमेगा टी. इसको अगर मैं ध्यान से देखूं तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा. अब मेरे पास बताओ 2 साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा, बताओ ये किसके बराबर होता है, साइन ऑफ साइन 2 थीटा, 2 थीटा. तो ओमेगा साइन ऑफ 2 ओमेगा टी. अब दोबारा फिर से डिफ्रेंसिएशन करनी, जो रिजल्ट आया उसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर देना. तो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूंगा, ओमेगा कांस्टेंट है, साइन के डिफ्रेंसिएशन कॉस 2 ओमेगा टी, और 2 ओमेगा टी के डिफ्रेंसिएशन कितनी आ जाएगी, 2 ओमेगा. तो बताओ डबल डिफ्रेंसिएशन आपके पास क्या आ गया, बताओ शाबाश, इसकी डबल डिफ्रेंसिएशन मेरे पास किसके बराबर आ जाएगी, 2 ओमेगा स्क्वायर कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी. अब बताओ जो आपके डबल डिफ्रेंसिएशन का रिजल्ट आया तो क्या वो y के बराबर आ रहा बच्चे आपके पास, तो नहीं, ये y के बराबर सर. तो दिस इज अ पीरियोडिक नॉट ऑसिलेटरी. तो आप बोलोगे दिस इज पीरियोडिक नॉट ऑसिलेटरी, तो ये पीरियोडिक है लेकिन ये ऑसिलेटरी मोशन नहीं है. ऑसिलेटरी मोशन की एक ही बात होती है कि जब आप डबल डिफ्रेंसिएशन कर दे दो बार तो जो रिजल्ट है वो ओरिजिनल फंक्शन के नेगेटिव के प्रोपोर्शनल होना चाहिए. तो ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना. मैं बार बार आपको पिछला टॉपिक इसलिए करवाता हूं ताकि आप उसके साथ जुड़े रहें, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत ज्यादा है, लेकिन पॉइंट यही है कि हम उस टाइम को यूटिलाइज नहीं करते, वी किल द टाइम, हम टाइम को किल कर रहे हैं. और इसके अंदर बच्चे हम ये बात देखते हैं कि हम हमारे पेरेंट्स भी जब हमको बोलते हैं तो हम उसका ध्यान नहीं देते. हमारे पेरेंट्स बोलते हैं अगर बैठ के कुछ क्वेश्चन कर लो तो हम वो क्वेश्चन भी ट्राई नहीं करते. आप जितना कम प्रैक्टिस करोगे, जो आपको एक बात बताओ, लोग बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करके भी लो कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं बहुत ज्यादा, और वो इसलिए उनको लगता है यार इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए कहीं पर ऐसा ना हो कि पेपर में मुझसे क्वेश्चन सॉल्व ना. तो इस बात को ध्यान में रखिए कि हमारे आने वाले टाइम के अंदर ये क्वेश्चन आपको हेल्प करेंगे भाई, ये क्वेश्चन आपको हेल्प करेंगे भाई. याद रखना इस क्वेश्चन से आप अलग अलग
कोचिंग के मॉड्यूल्स को सॉल्व कर पाओगे, एनसीईआरटी को सॉल्व कर पाओगे, एग्जाम्पलर को सॉल्व कर पाओगे, ये क्वेश्चन से सॉल्व हो। तो अब चलते हैं बच्चे हम आगे की तरफ। फिर बच्चे मैंने आपको इक्वेशंस लिखवाई थी, y इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, और मैंने आपको बताया था कि इसके ग्राफ कैसे बनते हैं। इसके ग्राफ हमारे पास कुछ आपके पास बन जाते हैं बच्चे, इलिप्स बन जाते हैं। लेकिन एक पॉइंट और रह गया बच्चे हमारे पास। पॉइंट क्या बच्चे हमारे पास, देखो अगर मान लिया जाए कि मैं आपको यहाँ पे ग्राफ पूछता हूँ बच्चे, और मेरे पास एक क्वेश्चन फिर से आ जाता है, वेलोसिटी आपके पास किसके बराबर होती है, ओमेगा अंडर रूट ऑफ आपके पास ए स्क्वेयर माइनस ऑफ एक्स स्क्वेयर, और वी कैन राइट डाउन वी स्क्वेयर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वेयर ए स्क्वेयर माइनस ऑफ ओमेगा आपके पास स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर। हमने एक ग्राफ तो बनाया था बच्चे, एलिप्स का ग्राफ बना था बच्चे, v और x के बीच में यहां पर जो ग्राफ था हमारे पास वो आपके पास एलिप्स का बना था। लेकिन एक बात बताओ कि अगर यहां पर मैं ग्राफ बनाना चाहता हूं, देखना फोकस करना, यहां पर मैं ग्राफ बनाना चाहता हूं बिटवीन v स्क्वेयर एंड x स्क्वेयर, तो ये ग्राफ कैसा बनेगा? जी बोलो शाबाश, इसका ग्राफ कैसा बनेगा? ये स्ट्रेट लाइन, कैसे स्ट्रेट लाइन, और स्लोप क्या होगी, इंटरसेप्ट क्या होगी? तो स्लोप नेगेटिव होगी, स्लोप आपके पास यहां पर नेगेटिव होगी क्योंकि माइनस ओमेगा स्क्वायर है, और इंटरसेप्ट आपके पास पॉजिटिव होगी। तो ये पॉजिटिव इंटरसेप्ट और नेगेटिव स्लोप, तो ये ग्राफ ऐसा कहीं बन जाएगा। ये ग्राफ बच्चा हमारे पास यहां पर इस तरीके से आपके पास बन जाएगा। ये पॉइंट आपको समझ में आ रही है, ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है, लेकिन क्या ये ग्राफ ऐसे रहेगा कि आगे भी जाएगा? तो आंसर है आगे भी जाएगा। बताओ कैसे जाएगा आगे, क्योंकि आप समझो x इज इक्वल टू जीरो पे तो ये मैक्सिमम था, और x इज इक्वल टू प्लस माइनस है तो आप आगे भी लेके जा सकते हो, तो ये ऊपर की तरफ को, अगर टीचर बार बार बता सकता है तो ये बहुत सारी चीजें टीचर जो आपको यहाँ पर पूछ सकता है। एक तो ये आगे बच्चे, तो हमको यहाँ पे टीचर बोलेगा क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ द ग्राफ, आपको यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करना है बिटवीन वी स्क्वेयर एंड बच्चे हमारे पास x स्क्वायर, और इस ग्राफ की स्लोप आपको क्या देगी बच्चे, बताओ शाबाश, इस ग्राफ की स्लोप आपको क्या देगी, उसका मैग्नीट्यूड आपको क्या देगा? दिस विल बी ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा से फिर टाइम पीरियड आएगा, तो टीचर कुछ भी आपको यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो प्लीज अपने दिमाग को एक्टिवेट रखना। अब चलते हैं हम आगे की तरफ, और हम डिस्कस कर रहे थे बच्चे द रिलेशन बिटवीन सर्कुलर मोशन एंड द सिंपल हार्मोनिक मोशन, और उस दिन जो है बच्चे सर्कुलर मोशन एंड SHM, जो लैपटॉप था उसकी चार्जिंग भी कम थी और चार्जर भी नहीं मिला टाइम पे, तो मेरे को लगा कि बस ये टॉपिक करके उठता हूँ, ये टॉपिक करके उठता हूँ, तब तक बच्चे बहुत देर हो चुकी थी। तो सर्कुलर मोशन एंड द सिंपल हार्मोनिक मोशन कैसे बनता है, इनके बीच का रिलेशन क्या है, और ये रिलेशन हमारे लिए यूजफुल क्या है, तो अब ध्यान से समझना। यहां पर पहला पॉइंट मैं लिखता हूं द प्रोजेक्शन ऑफ द रेडियस, द प्रोजेक्शन, हम दोबारा स्टार्ट करते हैं, द प्रोजेक्शन ऑफ द रेडियस ऑफ a uniform circular motion at any time t on a horizontal or vertical line, on the horizontal or the vertical diameter is the representation of SHM. देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि SHM हो रहा है, मैं SHM को represent कर रहा हूं। अब आपकी क्लास में से अगर कोई बच्चा जिम जाता है, या जिम बच्चे कभी गया हो, तो वहां पर बच्चा हमारे पास क्या होती है, स्काई वॉकर करके बच्चे एक मशीन होती है, वो स्काई वॉकर मशीन के अंदर एक आदमी जब पाओ को ऊपर नीचे करता है तो आगे पहिया गोल घूमता है, लेकिन पहियों के बीच में बच्चे जो हमारे पास यहाँ पर पिस्टन टाइप की चीज है वो आगे पीछे मूव करती है। कभी आपने इस चीज को ऑब्जर्व किया, अगर आप जिम गए या जिम जाते हो
तो आपको ये बात पता लग जाएगी, सर हमने ये ऑब्जर्व नहीं किया। कोई बात नहीं, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। इज द रिप्रेजेंटेशन, ये बच्चा हमारे पास क्या आ जाती है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ SHM। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, आपको यहां पर बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। मैं क्या करता हूं, मैं एक बॉल ले लेता हूं, सपोज कि मैं यहां पर एक बॉल ले लेता हूं, और इस बॉल को हम क्या करने की कोशिश करते हैं, मूव करवाने की कोशिश करते हैं एक स्पेशल तरीके से। क्या है ये चीज, जरा देखते हैं। तो ये मेरे पास एक बॉल है, और इस बॉल के ऊपर हम एक छोटा सा मास रख देते हैं, छोटा सा कोई भी एक मास रख दिया, ये MKG का, ठीक। अब ध्यान से देखना, और इस बॉल के पीछे मैंने एक स्क्रीन को रख दिया, ये स्क्रीन है, ये स्क्रीन है बच्चा हमारे पास ऐसे, ठीक, ध्यान से देखना। और हमारे पास क्या है बच्चे, ये बॉल ओमेगा से रोटेट होना स्टार्ट कर देती है, ओमेगा से, ठीक है, हो रही है स्टार्ट। अब ये मेरे साथ यहां पर एक स्क्रीन है बच्चे हमारे पास, ये बॉल एम मास की है, और यहां पर मेरे पास मैंने एक टॉर्च को जला दिया, ये मैंने यहां पर एक टॉर्च को जला दिया, टॉर्च जल गई बच्चे, ये मेरे पास टॉर्च की लाइट आपके पास यहां पर पहुंच रही है, ये टॉर्च की लाइट बच्चे हमारे पास यहाँ पर जा रही है, ये टॉर्च की लाइट जब यहां पर पहुंचेगी तो आपको इसकी शेडो यहां पर नजर आएगी, राइट, नजर आएगी कि नहीं आएगी बच्चे, हाँ या ना बताओ, आएगी नजर कि नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी, यहां पर आपको इसकी शेडो नजर आएगी। फिर बच्चे हमारे पास ये बॉल गोल घूमकर यहां पर आएगी, अब बताओ इस बॉल की शेडो इस स्क्रीन पे बनेगी क्या, इस बॉल, और फिर बच्चा हमारे पास ये गोल घूमते घूमते ये बॉल आपके पास यहां पर आ गई, अब यहां से लाइट इसको ट्रैप करेगी तो क्या इसकी शेडो बनेगी आपके पास, हाँ या ना, बिल्कुल यस सर। और फिर ये बच्चे बॉल गोल घूम के यहां पर जब आएगी तो क्या इसकी शेडो बनेगी आपके पास, नहीं बनेगी, नो सर। अब आप इस बॉल को ओमेगा से रोटेट करते रहो तो बताओ इसकी शेडो आपको कैसी चलती हुई नजर आएगी, आपको इसकी शेडो ऊपर नीचे चलती हुई नजर आएगी, आएगी कि नहीं आएगी बताओ, yes, आए yes, तो ये बच्चे हमारे पास एक तरह से एक्सट्रीम पोजीशन, ये भी बच्चे एक्सट्रीम पोजीशन, और जहां पर आपको शेडो नजर नहीं आ रही है वो कौन सी है बच्चे, मीन पोजीशन। और अगर देखा जाए तो इस बॉल की मोशन क्या है, जरा बताओ मुझे इस बॉल की मोशन क्या हो रही है, मुझे एक बात बताओ, इस बॉल की सर्कुलर है, और इसकी शेडो, इसकी प्रोजेक्शन, इसकी जो शेडो है प्रोजेक्शन, उसकी मोशन क्या है बच्चे, क्या उसकी मोशन SHM है, उसकी मोशन हमारे पास SHM है। पॉइंट ये, एक सर्कुलर मोशन, अगर एक बॉडी आप एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जाते हो तो उसमें से आप SHM का रिप्रेजेंटेशन, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि रिप्रेजेंटेशन, अब जैसे कोई पर्सन बोलता है मैं यूनाइटेड नेशन में गया, मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया, तो तुमने क्या तुम क्या थे, तुम बोलो मैं पंजाब से था, तो तुमने भैया तमिलनाडु को कैसे कर दिया, बोलो कि मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे को हर स्टेट का जो है सिटीजन होना चाहिए, मैं सिर्फ इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये सर्कुलर मोशन के अंदर मेरे पास मुझे सिंपल हार्मोनिक मोशन की रिप्रेजेंटेशन मिलती है, और हम उसको समझते, उसको अंडरस्टैंड करते हैं। कैसे, हम यहां पर ये बोल देते हैं कि एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन के अंदर मूव करिए, सपोज देखिएगा, फोकस करिएगा, सपोज मेरे पास यहां पर क्या आ जाती है, वी कंसीडर, सपोज वी हैव अ पार्टिकल, मेरे पास यहां पर एक पार्टिकल, वी हैव अ पार्टिकल एंड इट इज ट्रेवलिंग, और ये हमारे पास ट्रेवल कर रहा है, इट इज ट्रेवलिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन द सर्कल ऑफ रेडियस कैपिटल आर ऑन द रेडियस, आपके पास कैपिटल आर, लेट ओमेगा बी दी एंगुलर स्पीड, और मान लेते हैं कि हमारे पास ओमेगा उसकी एंगुलर स्पीड है, तो इसका मतलब टाइम पीरियड आपके पास किसके बराबर हो जाएगा, 2π/ओमेगा। ये कौन सा टाइम पीरियड है बताओ, शाबाश, जिसमें अपना ये पूरा एक चक्कर क्या करेगा, कंप्लीट करेगा, ये टी हमारे पास किसका टाइम पीरियड है, टी हमारे पास यहां पर इसका टाइम पीरियड निकल कर आ जाता है। हम क्या सीखना चाह रहे हैं, मेरे पास यहां पर एक आपके लिए बच्चे
सर्कुलर मोशन है और उस सर्कुलर मोशन के अंदर वेट करिए, हमारे पास यहां पर एक बॉडी क्या कर रही है, या हमारे पास एक सर्कल के अंदर आपके पास क्या कर रही है, मूव कर रही है। बात समझ में आ गई, ये सर्कल के अंदर मूव कर रही है ये बॉडी, बच्चा हमारे पास सर्कल के अंदर हमारे पास मूव करेगी और हमारे पास इसने स्टार्टिंग किसी भी एक पॉइंट से की होगी और बच्चे दोबारा से ये इसी जगह पे कैपिटल टी टाइम के बाद आएगी। इस सर्कल का रेडियस मेरे पास किसके बराबर है, इस सर्कल का रेडियस मेरे पास कैपिटल आर है। अब ये यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये हमारे पास यहाँ पर कौन सी लाइन है बच्चे, वर्टिकल। तो ये मेरे पास आ गया एक्स और ये एक्स डैश और बीच में आ गया ओ, ये हमारे पास आ गया वाई ओ और आपके पास वाई डैश। सपोज यहां पर बॉडी ने टी इज इक्वल टू जीरो पे चलना यहां से शुरू किया, यानी कि मेन पोजीशन से, और ओमेगा इसकी स्पीड है, तो टी टाइम के बाद ये बॉडी कहां पहुंच जाएगी, तो आप बोलोगे ये बॉडी आपके पास यहां कहीं पहुंच जाएगी। इसका रेडियस मेरे पास आर है और ये टी टाइम पर जब यहां पहुंचेगी तो ये एंगल कितना कवर किया होगा इसका, ओमेगा टी। अब इस रेडियस का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना प्रोजेक्शन है, तो आप यहां पर अगर इसको ए और इसको बी मान लेते, सो इन ट्रायंगल ए ओ बी, अब इस ट्रायंगल ए ओ बी के अंदर आप बताओ कि ओ बी यानी कि x ये किसके बराबर है, तो आप यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर लोगे और क्योंकि ये बेस है तो r cos of omega t, ये मेरे पास r cos of omega t। साथ ही साथ अगर मैं यहां पर बोलूं इन आपके पास ट्रायंगल आपके पास OAB के अंदर आपके पास AB यानी कि y की वैल्यू किसके बराबर है, तो आपका जवाब हो जाएगा r साइन ऑफ ओमेगा इंटू टी, क्योंकि वो एंगल है, यहां पर ओमेगा टी फेज है, यही तो बताएगा कि टी टाइम पर ये जो पार्टिकल है ये जो बॉडी है ये कहां पर लोकेटेड है, तो ये देखिए हमारे पास यहां पर आ। अब इसका मतलब SHM हमारे पास क्या है, या तो OB से रिप्रेजेंट होगा, नहीं तो हमारे पास OA से या O डैश से रिप्रेजेंट हो जाएगा। ये मेरे पास SHM की पहली इक्वेशन है, y इज इक्वल टू मेरे पास यहां पर कितना आ जाता है a साइन ऑफ ओमेगा t, या फिर OB आपके पास किसके बराबर है, x इज इक्वल टू हम यहां पर इसको कैपिटल R कर लेते हैं, दिस इज R इंटू कॉस ऑफ ओमेगा t। तो ये SHM की रिप्रेजेंटेशन है, कैसे मुझे एक बात बताओ, कॉस जो होता है वो एंगल बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है कि कम होता है, शाबाश बताओ, वो बढ़ने के साथ वो कम होता है, और बच्चे साइन वो बच्चे इंक्रीज होता है। तो जरा स्टार्ट करते हैं यहां पर हम, सबसे पहले क्या आपके पास इस x की वैल्यू के साथ क्या होगा, ये x की वैल्यू देखते हैं t इज इक्वल टू जीरो पे, बहुत अच्छे से ये आपको बात समझ में आएगी और ये बात अगर आज आपको समझ में आ गई फिर आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन में कोई भी पर्सन पकड़ नहीं सकता, मतलब आपको ये बातें बिल्कुल अंडरस्टूड हो जाए। जरा देखते हैं, ये मेरे पास यहाँ पर आपके पास किसकी वैल्यू है, x की, यहाँ पर देखना x की वैल्यू मैं सिर्फ x एक्सिस के ऊपर देख रहा हूँ, x एक्सिस पे मैं सिर्फ यहाँ पर x एक्सिस को देख रहा हूँ, सिर्फ x एक्सिस को अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ x एक्सिस को, ये x एक्सिस के लिए ये जीरो है, ये बच्चे हमारे पास आपके x एक्सिस की वैल्यू t इज इक्वल टू जीरो पे, यहां पर मैं रेफरेंस क्या ले रहा हूँ, मैं x इज इक्वल टू r cos omega t को रेफरेंस ले रहा हूँ। ये अगर t जीरो है तो cos ऑफ जीरो डिग्री कितना होता है, वन होता है, तो हम यहां पर यानी कि t इज इक्वल टू जीरो पे हम यहां कहीं पर प्रेजेंट है, और जैसे ही हमारे पास हम यहां पर इसकी वैल्यू को क्या पुट कर देते हैं, t बाई आपके पास 4, देखते चलते हैं। मेरे को अब टाइम कौन कौन से लेने, t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू t बाई 4, t इज इक्वल टू t बाई 4 एंड t इज इक्वल टू 3t बाई 4 एंड t इज इक्वल टू t। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं इस रेडियस की वैल्यू को निकालना चाहता हूं t इज इक्वल टू 0, फिर मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहता हूँ t बाई 4 पे, फिर मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहता हूँ t बाई 2 पे, फिर मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहता हूँ 3t बाई 4 पे, और लास्ट में इसकी वैल्यू कहां पर निकालना चाहता हूँ, बताओ शाबाश, कैपिटल T यहाँ कहीं, चारों जगहों पर।
मैं इसकी वैल्यू चारों पॉइंट्स पे निकालना चाहता हूं। तो जब मैं यहां से चलना स्टार्ट करूंगा तो ये मेरे पास यहां पर क्या आ जाएगी, वन मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि आप देख भी लो ओबी की वैल्यू तब आर के बराबर हो जाएगी, ये मैक्सिमम टी बाई फोर। अब देखते हैं कि कौन बच्चा यहां पर कॉस ऑफ टू पाई बाई टी मल्टीप्लाइड बाई टी बाई फोर। अब बताओ टी से टी कैंसिल, ये कैंसिल, तो पाई बाई टू, कॉस ऑफ पाई बाई टू का मतलब क्या हो गया, कॉस ऑफ 90, कॉस 90 क्या होता है जीरो। तो इसका मतलब कि अगर मैं एक टाइम लेता हूं टी बाई फोर तो वहां पर कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, तो ड्रॉप होकर बच्चे हमारे पास जीरो हो जाएगा। फिर बच्चे टी बाई टू, तो मेरे पास यहां पर कॉस ऑफ आपके पास टू पाई बाई टी, क्योंकि ओमेगा टू पाई बाई टी है, इंटू मेरे पास टी बाई टू, तो ये कैंसिल कैंसिल, कॉस ऑफ पाई कितना होता है माइनस वन, तो माइनस वन, अगर यहां पर माइनस वन है तो एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ आर, तो ये यहां से क्रॉस होकर यहां पहुंच जाएगा। और फिर आपके पास थ्री टी बाई फोर पे दोबारा से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, थ्री टी बाई फोर पे दोबारा से इसकी वैल्यू जीरो, और ये बच्चे आगे पहुंच जाएगा। तो ये किसका ग्राफ बन गया, ये हमारे पास कॉस का ग्राफ बन गया। ये हमको समझाना चाह रहा है कि ये बॉडी की मोशन आप ऐसे समझ सकते हो, मेन से हम एक्सट्रीम वन पे जा रहे हैं, एक्सट्रीम से दोबारा से हम कहां पर आ रहे हैं बच्चे, मीन पे आ रहे हैं, मीन से बच्चे हम दोबारा से दूसरे एक्सट्रीम पे जा रहे हैं, और फिर से दोबारा से मीन पे आ रहे हैं। तो पॉइंट बच्चे हमारे पास यहां पर आपके पास, नहीं ये गलत हो गया मुझसे, इट्स रॉन्ग, नॉट, इट्स मीन, इट्स फ्रॉम एक्सट्रीम, आई एम सॉरी फॉर दैट, ये एक्सट्रीम से स्टार्ट करेंगे, आई एम सॉरी फॉर दैट, नॉट फ्रॉम मीन, एक्सट्रीम। तो हम यहां पर एक्सट्रीम वन से चल रहे हैं और मीन पे पहुंच रहे हैं, फिर हम एक्सट्रीम टू पे पहुंच रहे तभी वो माइनस आ रहे, फिर हम मीन पे आ रहे और फिर हम वहीं पर आ रहे जिस एक्सट्रीम से हम चले थे, क्योंकि कॉस की वैल्यू आपके पास इस तरीके से रिप्रेजेंट हो जाए। तो ये कॉस का ग्राफ बन गया। यहां पर आपको समझने की कोशिश करनी, मैंने पिछली बार भी एक स्टिमुलेशन आपको दिखाई थी कि एक स्प्रिंग मूव कर रहा है और उसके स्प्रिंग की मोशन के अलग अलग पॉइंट्स को आप इस ग्राफ के अंदर, इस सर्कुलर मोशन के अंदर देखते हो। यहां पर आपके पास है क्या, मैं आपको समझाता हूँ। अब अगर किसी बच्चे को ये पॉइंट ना समझ में आ रहा हो तो मैं आपको समझाता हूँ, ये कुछ ऐसा केस है, ध्यान से समझना। ये मेरे पास यहाँ पर एक स्प्रिंग है, यह हमारे पास स्प्रिंग है, टी इज इक्वल टू जीरो पे ये स्प्रिंग किसके ऊपर था बच्चे, आपके पास यहाँ पर था, टी इज इक्वल टू जीरो पे खिंचा हुआ था, फिर टी इज इक्वल टू टी बाई फोर पे ये कहां पर आ गया बताओ, शाबाश, टी इज इक्वल टू टी बाई फोर के ऊपर ये मीन पे आ गया, फिर टी इज इक्वल टू टी बाई टू पे ये स्प्रिंग दब गया, ये बच्चे ध्यान से समझना। और फिर हमारे पास यहां पर क्या आ गया, और फिर बच्चा हमारे पास यहां पर क्या आ गया, ये फिर से हमारे पास नॉर्मल हो गया और उसके बाद दोबारा से ये जहां पर चला था वहीं पर आपके पास पहुंच गया। ध्यान से सुनिएगा, t इज इक्वल टू जीरो पे आपने स्प्रिंग को खींचा और ये हमारे पास एक्सट्रीम वन पे था, t इज इक्वल टू t बाई फोर पे ये मेन पोजीशन पे वापस आ गया m, फिर ये रुका नहीं, फिर ये दूसरी तरफ चला गया t बाई टू के ऊपर, ये दूसरे एक्सट्रीम पे आ गया, फिर t पे ये स्प्रिंग नॉर्मल हुआ, ये बच्चा हमारे पास थ्री टी बाई फोर पे ये दोबारा मीन पे आ गया, और फिर कैपिटल टी जब ये पूरा गोल घूम के वापस सर्कल कंप्लीट हो गया तो ये बॉडी दोबारा से आपके पास कहां पर आ गई, जहां से ये चली थी। तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन। तो हम इस पार्टिकल की SHM को जो कि स्प्रिंग के साथ जुड़ा हुआ है सर्कल में देख रहे हैं, सर्कल के अंदर हम इसके मोशन को एक्स एक्सिस के अलोंग देख रहे हैं। यहां पर बॉडी की मोशन कहां से स्टार्ट हो रही है, बॉडी की मोशन कहां से स्टार्ट हो रही है, बॉडी की मोशन हमारे पास एक्सट्रीम से स्टार्ट हो रही है, स्प्रिंग को आप स्ट्रेच करके भेज रहे हैं। टाइम कौन कौन से लेने, ये वाले टाइम लेने ताकि आपको आइडिया आ जाए। क्या सेम केस मेरे पास वाई एक्सिस के लिए भी हो सकता है, क्या सेम केस मेरे पास वाई एक्सिस के लिए भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, जरा चेक कर लेते हैं y एक्सिस के लिए। तो हम यहाँ पर y एक्सिस के लिए भी इसको देख लेते हैं और देखते हैं y एक्सिस के लिए क्या होगा, देखते हैं। तो ये हमारे पास y एक्सिस है, अगेन ये बीच वाला पॉइंट हमारे पास अब मीन है और ये बच्चा हमारे पास एक्सट्रीम वन है और ये एक्सट्रीम आपके पास टू है। मैं इक्वेशन क्या यूज कर रहा हूँ,
वाई इज इक्वल टू आर साइन ऑफ ओमेगा इंटू टी। अगर मैं टी को जीरो पुट करता हूं तो साइन ऑफ जीरो जीरो हो जाता है। फिर बच्चा हमारे पास टी बाई फोर, फिर बच्चा हमारे पास यहाँ पर टी बाई टू, और फिर मेरे पास थ्री टी बाई फोर, और ये आपके पास कितना आ जाता है बच्चे, कैपिटल टी। आप बगैर देखे भी इसको बता सकते हो, बगैर मतलब कैलकुलेशन किए भी आप बता सकते हो। साइन ऑफ जीरो डिग्री जीरो, जब आप यहां पर मौजूद थे तो वाई की वैल्यू क्या थी, जीरो। जब आप टी बाई फोर पे आओगे तो वाई की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, तो वाई की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, ये टी बाई फोर पे। टी बाई टू पे दोबारा आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आ जाओगे तो ये जीरो। थ्री टी बाई फोर के ऊपर माइनस ऑफ आर इसकी वैल्यू, और टी पे आप यहाँ पर पहुंच जाओगे, तो ये भी ऐसे चल। यहाँ पर भी पार्टिकल क्या कर रहा है, अपनी मेन पोजिशन के अबाउट टू एंड फ्रो मूव कर रहा है। अब देखो समझो इस बात, हम या तो इस बॉडी को इस एक्सेस के अबाउट देख रहे हैं, समझने की कोशिश करना। मैं क्या कर रहा हूं ये समझो बच्चे, कि मेरे पास यहां पर जो पार्टिकल है अगर वो एक्स एक्सेस के अलोंग एसएचएम कर रहा है ऐसे, तो हमारे पास उसकी शुरुआत यहां पर होती है जब एक्स मैक्सिमम होता है। तो कोई पर्सन जब टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा तो वो यहाँ कहीं पर पहुंच जाएगा, तो आपके पास वो मीन पे पहुंच गया। जब वो पर्सन यहां पहुंचेगा तो ये यहां पर पहुंच जाएगा। फिर जब ये पर्सन आपके पास यहां पहुंचेगा तो ये पार्टिकल फिर बीच में आ जाएगी। तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग एसएचएम कर रही है, एक्स एक्सिस के अलोंग, और इसकी जो एसएचएम है उसको आप एक सर्कल में मूव होने वाले पर्सन के रेडियस की एक्स एक्सिस की पोजीशन यानी कि आर कॉस ऑफ ओमेगा टी मान सकते हो। और इसी तरीके से वाई एक्सिस, अगर कोई पार्टिकल यहां पर है तो वाई की वैल्यू जीरो है। जब ये पर्सन ऊपर पहुंचा तो ये पार्टिकल भी ऊपर पहुंच गया। उसके बाद बच्चा हमारे पास ये पर्सन यहां पहुंच गया तो फिर से ये बीच में जीरो, और फिर बच्चा जब ये पर्सन नीचे पहुंच गया तो यहां पर, तो ये वाई एक्सिस के अलोंग एसएचएम कर रहा है, ये वाई एक्सिस के अलोंग। और हमारे पास यहां पर इसके लिए कौन सा आपका फॉर्मूला बन जाएगा, आर साइन ऑफ ओमेगा टी। तो ये सर्कुलर मोशन के साथ इसका हमारे पास क्या आ जाता है, रिलेशनशिप। कभी भी आपको यहाँ पर टीचर पूछे तो पहले तो बड़ा सिंपल जवाब देना कि हमारे पास एस एच एम इज द प्रोजेक्शन ऑफ द रेडियस ऑफ अ बॉडी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस और अलोंग द वर्टिकल एक्सिस, अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायमीटर या अलोंग द वर्टिकल डायमीटर। बस ये बनाना है, डायग्राम बनाना है, रेडियस को आर मानना है, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस ओमेगा टी, नीचे एक्स का कॉस का ग्राफ बना देना, सामने आपने साइन का ग्राफ बना देना, बस आपके तीन नंबर पक्के। वैसे तो बहुत मुश्किल है कि टीचर आपको ये पूछेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए। क्लियर है, आगे चले बच्चे, ठीक है, आगे की तरफ को चले भाई। किसी बच्चे का क्वेश्चन पूछना है तो वो पूछ सकता है, वरना हम आगे की तरफ को चलते हैं। चले आगे की तरफ बच्चे, बोलो शाबाश। यस सर। तो हमारे पास यहाँ पर ये चीजें आपके पास निकल कर आती है, तो ये अब हमारे पास एक पिक्चर कंप्लीट होती है। अब अगर हम आगे की तरफ को समझे तो मेरे पास अब नेक्स्ट पॉइंट या नेक्स्ट टॉपिक क्या आ जाता है, द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन एसएचएम, एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन द एसएचएम, द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन एसएचएम। एक सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर एनर्जी आपके पास क्या होती है, to be write down, the particle in the SHM, the particle in the SHM possess mechanical energy, the particle in the SHM, the particle in the SHM आपके पास possess, ये possess करता है बच्चे the mechanical energy, ये हमारे पास mechanical energy को possess करता है, इसके पास mechanical energy रहती है, possess the mechanical energy, that is इसका मतलब क्या बच्चे, मैकेनिकल एनर्जी का मतलब हमारे पास आ जाता है काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी। सो एक पार्टिकल के पास काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी दोनों होती है, काइनेटिक भी होती है पोटेंशियल भी होती है। सो सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। तो हमारे पास जो पार्टिकल एसएचएम कर रहा है उसके पास काइनेटिक एनर्जी तो होगी, बिल्कुल होगी। नाउ फ्रॉम द इक्वेशन,
फ्रॉम द इक्वेशन मेरे पास इक्वेशन कौन सी है, आपके पास SHM की, तो फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ द वेलोसिटी हमारे पास v इज इक्वल टू ओमेगा a कॉस ऑफ ओमेगा t। ये कब है बच्चे बताओ, शाबाश, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम या फिर मेरे पास वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, ये भी एक फॉर्मूला। एक में हम इसके वेलोसिटी को क्या मान के चल रहे हैं, फंक्शन ऑफ टाइम, एक में फंक्शन ऑफ द डिस्टेंस। नेक्स्ट वन, देयरफॉर द काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो हाफ इंटू m into v का स्क्वायर। अब आप में से हर बच्चा इंटेलिजेंट है, तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर वेलोसिटी into a स्क्वायर into cos of मेरे पास क्या आ गया ओमेगा t। तो ये मेरे पास क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी। ये हमारे पास यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी आपके पास आ गई, ये काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, आई एम सॉरी फॉर दैट, cos स्क्वायर ओमेगा t। तो ये एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हमारे पास हमें पता लग, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हाफ एम ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर आपके पास ओमेगा टी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब एक बात बताओ, अभी पिछली स्लाइड में मैंने आपको क्या बताया कि हमारे पास यहां पर जो पार्टिकल्स हैं वो टी इज इक्वल टू जीरो, टी इज इक्वल टू हमारे पास टी बाई फोर, टी इज इक्वल टू टी बाई टू, टी इज इक्वल टू थ्री टी बाई फोर, और बच्चे t इज इक्वल टू t पे हम बड़ा ध्यान रखते हैं, t इज इक्वल टू जीरो मीन आपके पास एक्सट्रीम पोजीशन, t इज इक्वल टू जीरो पे हमारे पास हम इसको क्या मान के चलते हैं बच्चे, आपके पास एक्सट्रीम पोजीशन वन। बताओ यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी अगर हम मान के चलते हैं बच्चे कि ये हमारे पास यहाँ पर आपके लिए क्या आ जाती है बच्चे, एक्सट्रीम पोजिशन, तो एक्सट्रीम पोजिशन के ऊपर आपके पास बिल्कुल किसी किस्म की बच्चे कोई काइनेटिक एनर्जी आपके पास नहीं हो सकती। और क्यों नहीं हो सकती काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर हमारे पास वेलोसिटी जीरो होती है, तो ये आपके पास आ जाती है जीरो। आपके पास टी बाई फोर पे यानी कि आपके मीन पोजीशन पे ये मैक्सिमम हो जाती है, मैक्सिमम, और ये बच्चा हमारे पास हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। फिर बच्चे दूसरे एक्सट्रीम पे ये फिर से जीरो, फिर ये दोबारा से मीन पे आती है तो मैक्सिमम हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, और दोबारा से ये जब आपके पास उसी एक्सट्रीम पे आ जाती है तो ये जीरो हो जाती है। तो पहला पॉइंट आपने ये देखना, ये हमारे पास वेरिएशन है। और इससे एक और चीज पता लगती है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इज द वैल्यू ऑफ द काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की वैल्यू। क्या ये चीज यहां पर भी होगी, जरा चेक कर लेते हैं। यहां पर अगर मैं आपको बोलूं तो काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन, तो हाफ एम वी स्क्वायर, तो बताओ हाफ एम आपके पास ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, यहां पर भी सेम चीज है। यहां पर भी आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब है, ये तब है बच्चे जब आपका एक्स जीरो है, जब आप मेन पोजीशन पे हो, और तब आपके पास इसकी वैल्यू है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इनटू ए स्क्वायर। नेक्स्ट वन बच्चा हमारे पास यहां पर क्या आ जाता है, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम कहां पर है, तो आप बोलोगे एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, यानी कि बॉडी आपके पास कहां पर लोकेटेड है, इट इज लोकेटेड एट द एक्सट्रीम पोजिशन, इट इज लोकेटेड एट एक्सट्रीम पोजिशन। अब इस पे न्यूमेरिकल आ जाएंगे कि वो पोजिशन बताओ जहां पर काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ द मैक्सिमम, वो एक अलग चीज है बच्चे हमारे पास। फिर हमारे पास इसका रिलेटेबल ग्राफ आपको टीचर पूछेगा, इस पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम का, तो हमारे पास देखिए इसका ग्राफ आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ये ग्राफ है, ग्राफ के अंदर इंटरसेक्शन पॉइंट मीन पोजिशन को बता रहा है, ये वाला पॉइंट E1 को बता रहा है, ये वाला पॉइंट दूसरे एक्सट्रीम को बता रहा है। मीन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है और एक्सट्रीम पे जीरो, तो ये ग्राफ आपके पास पैराबोलिक शेप का ऐसे बन जाएगा, ये हमारे पास ग्राफ बन जाएगा पैराबोलिक शेप का, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस द डिस्टेंस एक्स।
काइनेटिक एनर्जी वर्सेस द डिस्टेंस एक्स। तो ये पॉइंट ध्यान रखना कि ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी वर्सेस द डिस्टेंस एक्स का ग्राफ होंगे। क्लियर है ये वाली चीज? सर सर जो टाइम वाला उसमें कुछ गड़बड़ नहीं होगी वहां पे? टाइम इज इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम होनी चाहिए एनर्जी जो ये बच्चे मैं वहां पर मैं मान के चल रहा हूँ, मैं तुमको बताता हूँ, मैं मान के चल रहा हूँ बच्चे, आप इसको अगर फोकस भी करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा इसके अंदर से। उसके अंदर से अगर आप ध्यान रखोगे ना तो आपको मेरी अजम्पशंस वगैरह सब आपको यहाँ पर समझ में आ जाएंगे। ठीक है, वहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि बच्चा हमारे पास यहाँ पर अगर हम देखें तो मैं चेक भी कर लेता हूँ, हाफ एम वी स्क्वेयर है। क्योंकि अगर आप एक्सट्रीम से अपनी मोशन को शुरू करोगे तो बेटा हमारे इक्वेशन लिखी है वो उस हिसाब से नहीं ना बेटा, इक्वेशन अच्छा तो हमने मैं समझ गया मैंने इक्वेशन थोड़ी सी गड़बड़ कर लिया, मुझे कॉस की इक्वेशन लेनी चाहिए थी और यहाँ पे साइन आना चाहिए था। एक मिनट, आई एम सॉरी फॉर दैट, एक मिनट रुकिए, या तो मैं इसको साइन कर लेता, मैं समझ गया मेरे दिमाग में कोई और इक्वेशन थी और यहाँ पर कोई और, तो या तो मैं इसको साइन ले लेता हूँ, और अगर साइन नहीं लेना चाहता तो नीचे फिर टाइम को मुझे चेंज करना पड़ेगा, तो मैं इसको साइन ले लेता हूँ, आई एम सॉरी फॉर दैट, मेरे दिमाग में कॉस ही था। तो ये साइन ऑफ आपके पास ओमेगा टी है, मैं यहाँ पर बच्चे, ठीक है, तो अब आपको पता लग जाएगा कि ये बात आपके पास बिल्कुल सही है। ठीक है, क्लियर है, और यहाँ पर भी आपके पास क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। मैं तो कोई फर्क पड़ता नहीं है बच्चे, साइन ले लो कॉस, कोई बच्चा बोलता है सर वहां पे साइन यहाँ पर कॉस, में कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चे, रिजल्ट आपके पास सेम ही आ जाते हैं। तो ए स्क्वेयर और साइन स्क्वेयर ओमेगा टी। हाँ, मैं एक चीज यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ बच्चे, यहाँ पर मैंने क्या अजम्पशन लिया, मैंने वाई इज इक्वल सॉरी एक्स इज डिस्प्लेसमेंट को मैंने किसके बराबर लिया, एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ऑफ ओमेगा टी, ये मैंने लिया। यहाँ पर गड़बड़ हुई करमनजीत, मैंने ये चीज अपने दिमाग में रखी और जिसके वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुई, तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो चलिए ये भी हमारे पास आ गया, तो ये मेरे पास आ गई काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस। अब आपके पास क्या आ जाती है बच्चे, वी टॉक अबाउट, अब हम यहाँ पर बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स काम करती है। तो पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम, तो पोटेंशियल एनर्जी दे वर्क डन अगेंस्ट द रिस्टोरिंग फोर्स, दे वर्क डन अगेंस्ट द रिस्टोरिंग फोर्स। जो वर्क डन आपके पास रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट आपके पास होता है वही आपके पास कन्वर्ट्स इनटू द पोटेंशियल एनर्जी, दिस कन्वर्ट्स इनटू पोटेंशियल एनर्जी। और इसका मतलब क्या आ जाता है, वर्क डन, ये फोर्स वेरिएबल है तो हम एफ इनटू डी एक्स कर लेते हैं। और यहां पर मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूं, अगर आप नेगेटिव साइन लेना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं, फिर आपको कॉस 180 भी लेना पड़ेगा। यहां पर मैं फोर्स का मैग्नीट्यूड ले रहा हूं और मुझे भी पता है यहां पर फोर्स किसके बराबर होती है, kx dx, और मैं इसको अगर सॉल्व कर देता हूं तो हाफ इंटू के इंटू एक्स स्क्वायर, ये मुझे पता है। आल्सो अब एक और चीज बताओ बच्चे, आल्सो एक और चीज बताओ, के बाई एम को मैं किसके बराबर मान के चलता हूँ, ओमेगा स्क्वायर के बराबर, यह ऑलरेडी मुझे पता है। देयरफॉर यहां पर आपके पास पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन ए सेक्शन किसके बराबर आ जाएगी, हाफ ए की जगह एम ओमेगा स्क्वायर, और ये मेरे पास एक्स स्क्वायर। अब दो चीजें, एक तो चीज आ गई ये पोटेंशियल एनर्जी किसका फंक्शन आ गई आपके पास, एक्स का, डिस्टेंस का, ये डिस्टेंस का फंक्शन आ गया। और अब हमारे पास हम आगे चलते हैं, यहां पर आपके पास एक और चीज बता दूं, यहां पर मेरे पास एक्स की वैल्यू किसके बराबर है, ए कॉस ऑफ ओमेगा इंटू टी, एंड देयरफॉर अब बताओ पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है। तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है बच्चे, हाफ इंटू एम इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर आपके पास ओमेगा। तो अब मेरे पास यहां पर कितनी चीजें आ जाएंगी, बॉडी एक्सट्रीम से चली तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, मीन पे पहुंची तो बच्चा हमारे पास मीन पे पहुंचते ही पोटेंशियल एनर्जी आपके पास क्या हो जाती है, जीरो। फिर दूसरे एक्सट्रीम पे पहुंचती है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर मैक्सिमम, फिर हमारे पास मीन पे पहुंचती है तो आपके पास फिर से जीरो, यानी कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ये हमारे पास क्या हो रही है, वेरी कर रही है। और दोबारा से मैं एक्सट्रीम पे पहुंचा तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर ये मैक्सिमम, यहां से भी मुझे क्या पता लग रही है,
पोटेंशियल एनर्जी के मैक्सिमम वैल्यू कितने के बराबर है? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। और ये कहां पर मैक्सिमम है बताओ, शाबाश मुझे, कहां पर मैक्सिमम है मेरे पास? एक्सट्रीम पे। यहां पर बताओ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहां पर है? काइनेटिक एनर्जी मेरे पास मैक्सिमम आपके पास कहां पर मीन पे। ये मीन पे बच्चे मैक्सिमम आ रही है, ये मीन पे मैक्सिमम आ रही है, एक्सट्रीम पे जीरो है। और पोटेंशियल एनर्जी क्या है? वो हमारे पास मीन पे जीरो है, एक्सट्रीम पे मैक्सिमम है। तो इसका मतलब ये इंटरचेंज हो रही है। और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम ये भी हमारे पास किसके बराबर है? जीरो। और ये कहां पर जीरो है बच्चे? हमारे पास मीन के ऊपर। सारी सिचुएशन, सारी की सारी सिचुएशन अब हम एक जगह पे पुट करने की कोशिश करते हैं। तो पहले ग्राफ भी आएगा। बोलो करमनजीत। फोर्स अट्रैक्टिव है तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो मतलब नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। देखो बेटा मैंने एक अजम्पशन लिया, अगर आपको पता हो कि मैंने फोर्स के साथ क्या ले लिया, मोड ले, ठीक है बच्चे? ओके सर। ठीक है, तो हमारे पास अब ये पोटेंशियल एनर्जी कैसे वेरी करे? अब देखिए ये एक्सट्रीम पे जाकर आपके पास क्या हो रही है? मैक्सिमम हो रही है। और ये मीन पे जीरो, तो इसका ग्राफ आपके पास ऐसा बन जाएगा। मेरी बात समझे? इसका ग्राफ ऐसा, तो ये पोटेंशियल एनर्जी का एक्स के साथ ग्राफ बन गया, ये काइनेटिक एनर्जी का एक्स के साथ, ये उल्टी कटोरी ये सीधी कटोरी। जो वैल्यू इसकी आपके पास यहां पर मैक्सिमम है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, तो उसकी ये वैल्यू एक्सट्रीम पे मैक्सिमम है, हाँ या ना? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर आपके पास ए स्क्वायर। जो वैल्यू इसके एक्सट्रीम पे जीरो है वो वैल्यू इसके मीन पे जीरो, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इनकी भी फ्रीक्वेंसी हो सकती है। अब पॉइंट आपके पास है कि इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उसको बाद में देखते हैं। पहले हम देखते हैं क्या हम वो टाइम पीरियड निकालना है कि इसका टाइम पीरियड, अब देख लो साइन स्क्वायर ओमेगा टी, अभी तो हमको पता है कि उसका टाइम पीरियड कितना होता है, पाई बाय ओमेगा। मेरी बात को आप समझ पा रहे हो? मैं भी आपको यहां पर समझा दूंगा। तो ये पाई बाई ओमेगा है, तो उससे बच्चे इसकी फ्रीक्वेंसी निकलेगी। तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनेगा बच्चे, फिलहाल इसको आगे लेके चलते हैं। तो मेरे पास तीन चीजें आ गई, तीन चीजें आ गई। देखो कौन कौन सी तीन चीजें आ गई। पहली चीज मेरे पास काइनेटिक एनर्जी आपके पास किसी भी टी टाइम पर किसके बराबर है? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा। मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी दूसरी चीज आ गई हाफ इंटू एम इंटू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। तो तीसरी चीज आ गई मैकेनिकल एनर्जी। बताओ मैकेनिकल एनर्जी क्या आपके पास इसके अंदर से? बोलो शाबाश। तो आप बोल दोगे हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। बताओ क्या होता है? साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या टाइम पे डिपेंड कर रही है? बिल्कुल भी नहीं। तो जो चीज बच्चे, हाँ इसका बच्चे हमारे पास कोई भी डेफिनेट टाइम पीरियड नहीं होगा, या अगर हम बोले तो इसका टाइम पीरियड हमारे पास बहुत बहुत ज्यादा होगा। बाकी ये भी मैथ्स का एक कॉन्सेप्ट आपको पता होगा कि अगर किसी का टाइम पीरियड नहीं है तो हम ये नहीं बोलते कि उसका टाइम पीरियड नहीं, हम बोलते कि उसका टाइम पीरियड हमारे लिए एडिक्वेट नहीं है। पता है इसके बारे में, इस कॉन्सेप्ट का पता है आपको, हाँ या ना? पीरियोडिक फंक्शन के नहीं पता, वो होता है कि अगर कोई टीचर बोलता है कि इसका टाइम पीरियड, तो बोलते टाइम पीरियड एग्जिस्ट करता होगा पर हम उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। ये चीज आ गई। नेक्स्ट वन बच्चा, अगर मैं डिस्टेंस से देखूं तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ऑफ मेरे पास एक्स स्क्वायर। और बताओ पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। जरा इन दोनों को आपस के अंदर ऐड कर दो, बताओ क्या आ जाएगी मैकेनिकल एनर्जी क्या आएगी? बोलो शाबाश। तो हम देखेंगे कि हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ऑफ हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और इसमें नीचे वाला हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर को क्या कर दो बच्चे? आप हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर को ऐड कर दो, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो मैकेनिकल एनर्जी यहां से भी क्या आ गई? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, मतलब टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। सो वी कैन राइट डाउन नंबर वन, द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल चेंजेस विद द टाइम। पार्टिकल चेंजेस विद द टाइम, चेंजेस विद टाइम एंड पोजिशन, with the time and position and the time and position but mechanical energy, but their sum
दैट इज मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कॉन्स्टेंट, इसकी मैकेनिकल एनर्जी कॉन्स्टेंट रहती है। और मैकेनिकल एनर्जी कॉन्स्टेंट रहने का मतलब, मैकेनिकल एनर्जी कॉन्स्टेंट रहने का मतलब आपके पास यहां पर मैकेनिकल एनर्जी क्या है, कंजर्व है। There is conservation of the mechanical energy. यहां पर conservation of mechanical energy है। अगर potential energy कम होती है तो kinetic बढ़ जाती है, और अगर kinetic कम हो जाती है तो potential बढ़ जाती है, पर उन दोनों का sum हमेशा constant रहता है। Sum हमेशा constant रहता है, sum हमेशा constant रहता है, sum कभी change नहीं होता। अब इसका मतलब क्या हो गया, ध्यान से देखना। इसका मतलब ये हो गया, मेरे पास यहां पर एक आपके पास y एक्सिस है और दूसरी मेरे पास x एक्सिस है। तो मेरे पास यहां पर आपके पास y एक्सिस, ये x एक्सिस, और मेरे पास इसकी इंटरसेक्शन मीन पोजीशन बता रही है। ये मेरे पास एक्सट्रीम वन, x इज इक्वल टू प्लस ऑफ a, और ये मेरे पास आपके लिए x इज इक्वल टू माइनस ऑफ a। अब यहां पर काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ आपके पास कैसे बन जाता है, ये काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बन गया। दिस इज द ग्राफ ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। तो अब आपको बताना है पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ कैसा बनेगा। तो हमको ये बताना है क्या आपके पास यहां पर पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ कैसा बनेगा। तो इसी जगह पे इसी पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ इस तरीके से बन जाएगा। ये आपको स्कूल के अंदर या कहीं पर भी एक या दो नंबर में पूछा जा सकता है कि काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ कौन सा है, पोटेंशियल का कौन सा है। और इन दोनों का सम हर जगह पे कितना रहेगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। आप कहीं पर भी इन दोनों एनर्जीज को ऐड कर दो तो इनका सम बच्चा हमारे पास सेम रहेगा। और एक और बात बच्चे, यहां पर बच्चा हमारे पास देखो एक ऐसा डिस्टेंस जरूर है जहां पर काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या बच्चे, सेम है ना, सेम है ना। यहाँ पर काइनेटिक की जितनी वैल्यू है पोटेंशियल की भी उतनी वैल्यू है। ये डिस्टेंस आपके पास होता है या तो प्लस ए बाय रूट टू या एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए बाय रूट टू। टीचर क्वेश्चन भी पूछ सकता है, टीचर आपको क्वेश्चन भी पूछ सकता है, एट व्हाट डिस्टेंस या पोजिशन The kinetic energy is equal to potential energy. The kinetic energy is equal to किसके बराबर है, potential energy. बताओ कैसे आ जाएगा? हमारे पास इसका आंसर कुछ इस तरीके से आ जाएगा। देखिए मेरे पास आ गया half m omega square, half m omega square a square minus x square is equal to half m omega square into x square. तो ये हमारे पास कैंसिल, तो ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, और वी हैव ए स्क्वेयर इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वेयर, और एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर बाई टू, और एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई टू। तो ये हमारे पास इसका आंसर। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपके पास आएगा फॉर्मूला बेस्ड, कि फॉर्मूला आपको क्या कहता है। एक और चीज हमारे पास, एक और चीज बच्चा अब आपके पास क्या आ जाती है, जिसमें टीचर अब क्वेश्चन पूछता है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, यानी कि मेरे पास काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है। तो काइनेटिक एनर्जी को मैंने यहां पर लिया, या मैं प्रोपोर्शनल कांस्टेंट मान लेते हैं बच्चे, चलो मैं इसको कांस्टेंट मान लेता हूँ सी, जो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, और ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, और पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है, सी, और आपके पास यहाँ पर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। यहाँ पर अब याद रखना साइन और कॉस ये तो नेगेटिव हो सकते हैं, पर साइन स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता। तो अब हमारे पास यहाँ पर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं बच्चे, और हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पर सबसे पहले आपके काइनेटिक एनर्जी का, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो ये बच्चे हमारे पास साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो ये आपके पास ऐसे आ गया, ये ऐसे। ये ग्राफ आपके पास इस तरीके से क्यों वेरी कर रहा है, ये नेगेटिव क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ये हमारे पास यहाँ पर जीरो, ये आपके पास कितना आ गया टी बाई फोर, ये हमारे पास यहाँ पर टी बाई टू, ये थ्री टी बाई आपके पास फोर, और ये टी एंड सो। तो अब आपके पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ कैसा बनेगा, तो इसको मैंने यहां पर रेड कलर से शो कर दिया, ये रेड कलर से शो कर दिया। और फिर मेरे पास यहां पर ग्राफ आ गया,
आपके पास पोटेंशियल एनर्जी का, तो उसका ग्राफ आपके पास किसका बन जाएगा, कॉस का। उसका ग्राफ हमारे पास यहाँ पर कॉस का, तो ये ग्राफ आपके पास इस तरीके से ऐसे बन जाएगा। तो इन दोनों का सम फिर भी आपके पास हमेशा किसके बराबर रहेगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो यहाँ पर हम पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस काइनेटिक, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का टाइम के साथ ग्राफ बना। ये क्वेश्चन जेई और नीट के अंदर पूछा जा चुका है, और ये तो आइडेंटिफाई करना आना चाहिए यार, हमको आइडेंटिफाई करना आता है तो हम बड़े आराम से निकाल पाएंगे। और ये मेरे पास, मैं ग्रीन कलर से पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बना, और ये ग्राफ नेगेटिव क्यों नहीं टच कर रहा है, क्योंकि साइन स्क्वेयर ओमेगा टी है, कॉस स्क्वेयर ओमेगा टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ डिस्प्लेसमेंट हैज फ्रीक्वेंसी एफ, देन फ्रीक्वेंसी ऑफ द, then the frequency of the kinetic energy. If the displacement has frequency f, अगर displacement है उसकी frequency मेरे पास f के बराबर है, then frequency of the kinetic energy or potential energy आपके पास क्या होगा? बहुत important है बच्चे, यह हमारे पास यहाँ पर बहुत बहुत important आपके पास relationship है। कैसे निकालेंगे जरा check करते हैं, देखते हैं बच्चे हम इसके अंदर से इसका रिलेशन बच्चे हम बिल्डअप करते हैं। हमारे पास कहां पर चला गया इसका एक, ये इसका पैरामीटर कहां चला गया भाई, ऊपर लेके जाने वाला, एक मिनट रुकिए, गायब हो गया। अरे बाप रे बाप, कहां चला गया भैया इसका स्टाइलस वाला, कहां ये आ गया। तो हमारे पास अब यहाँ पर आप देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है, डिस्प्लेसमेंट की फ्रीक्वेंसी एफ है, डिस्प्लेसमेंट की कोई बच्चा इक्वेशन बता दे, तो x इज इक्वल टू a cos ऑफ ओमेगा t। तो यहाँ पर ओमेगा आपके पास, ओमेगा से टाइम पीरियड आ जाता है, तो 2 पाई बाई टी, नहीं तो आप डायरेक्ट टाइम पीरियड निकाल दीजिए कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, है ना। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी किसके बराबर है, डिस्प्लेसमेंट की डी से बोल देते हैं ओमेगा अपॉन टू पाई। क्लियर है ये वाली चीज बच्चे। अब चलते हैं बच्चे हम काइनेटिक एनर्जी पे। जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है, इट इज गिवन बाय सम कांस्टेंट इनटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी, है तो ये भी पीरियोडिक फंक्शन। अब बताओ इसका टाइम पीरियड निकालना पड़ेगा, तो बताओ कितना आ जाएगा, 1 माइनस कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी अपॉन 2। तो कोई बच्चा बता दे इसका टाइम पीरियड काइनेटिक एनर्जी का या पोटेंशियल एनर्जी का किसके बराबर है, तो आपके पास क्या आएगा, 2 पाई अपॉन 2 ओमेगा, यानी कि पाई बाई ओमेगा। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, ओमेगा अपॉन पाई। अब कंपेयर करो बच्चे, इसको इसके साथ कंपेयर करो, कैसे पता लग रहा है, क्या चीज आएगी बच्चे, बोलो शाबाश बोलो। तो अगर मैं कंपेयर करता हूं तो मुझे साफ पता लग रहा है कि एफ डी हाफ ऑफ ओमेगा बाई पाई, तो ओमेगा बाई पाई किसके बराबर है, फ्रीक्वेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी। देयरफॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज डबल द फ्रीक्वेंसी ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एच सी वर्मा। और इसमें पूरी की पूरी मैथमेटिक्स है, और ये चीज मैं आपको बहुत पहले से बताता आ रहा हूं कैसे टाइम पीरियड निकालना, बस उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज करनी, उसको फ्रीक्वेंसी के अंदर बच्चे आपने लेके जाना। ये अगर आपको पहले दिन का लेक्चर समझ में नहीं आया, ये आपके सर के ऊपर से निकल जाएगा, अगर वो समझ में आ रखा है तो आप कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे। जी बोलो शाबाश, ये क्लियर है, आगे क्लियर है ये वाली चीज। यस सर, ज़ूम आउट कर दो थोड़ा। हाँ बेटा बोलो बोलो, ये ऐसे कर दो। यस सर, ये बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सीधे सीधे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के अंदर आते हैं बच्चे। बोलो करमनजीत। सर मतलब ऐसे चाहे में बाउंड स्टेट होती कि नहीं होती, बाउंड स्टेट ही है। आप अगर इस पे बहस करने आओगे तो मेरे पास बहुत सारा जखीरा है, बाउंड स्टेट होती है तभी तो बॉडी जाकर वापस आती है बच्चे। लेकिन इस हमें समझ पा रहा हूँ, इसकी टोटल एनर्जी सर नेगेटिव ले लीजिए, लेकिन हम थोड़ा अवॉइड भी करते हैं, बाउंड स्टेट तो है लेकिन एक अलग तरह की बाउंड स्टेट है बच्चे, तो इस वजह से हम थोड़ा अवॉइड करते हैं, क्योंकि वेरिएबल फोर्सेस भी हैं और थोड़ा सा बच्चे डिफरेंट है, तो हम उसके नेगेटिव वाले आस्पेक्ट पे नहीं जाते। ले सकते हो, मना कोई नहीं कर रहा है, लेकिन बच्चे हमारे जिसको बोल सकते ना फ्रेमवर्क के ऊपर, उसके साथ काम करने में हमें प्रॉब्लम ज्यादा आगे आ जाएंगे, इसलिए हम उसको अवॉइड करते हैं बच्चे। ठीक है, एनसीईआरटी सर पॉजिटिव लेती है ना,
एनसीईआरटी पॉजिटिव लेती है, कहीं कहीं पे नेगेटिव ले भी लिया होगा बच्चे, तो मारो गोली यार कोई बात नहीं, इतना दिमाग क्यों लगाना जहां पर ना कई बार हो जाता है एनसीईआरटी तो हीट पंप को भी अलग चीज नहीं मानती, वो तो बोल देती कि वो सेम चीज है आपके पास, चलो कोई बात नहीं। अजी ये क्लियर है, चले आगे। यस सर। अब बच्चे आज का तो काम जो है अब आपका बढ़ गया, क्योंकि अब जो कल भी स्टार्ट होगा अब एग्जांपल स्टार्ट हो जाएंगे इस सेक्शन के, यानी कि ये दो चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, और कल हम टाइम पीरियड निकालना स्टार्ट कर देंगे प्रैक्टिकल चीजों का, तो इसको पढ़ लेना और कोई दिक्कत आए तो मुझसे जरूर डिस्कस कर लेना।